लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 144 उम्मीदवारों के नामों के साथ कांग्रेस ने सुभासरा विधानसभा से राकेश पाटीदार को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार से एसीएन भारत ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए, साथ ही कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां बताई। क्या कुछ बोले कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार, देखे रिपोर्ट में। हमारे साथ मौजूद है सुभासरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार, जिनको दूसरी बार पार्टी ने टिकट दिया है। जानते हैं कि उनकी चुनाव को लेकर क्या रणनीति और किस प्रकार से आगे का। देखो, सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे किसान पुत्र के ऊपर विश्वास किया दोबारा और पार्टी का प्रत्याशी बनाया। तो मैं हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर? देखो, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा हो भ्रय और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है, क्योंकि क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री होते हुए क्षेत्र को कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली। ना तो यहाँ पे कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, ना यहाँ पे हॉस्पिटलों के नाम जरूर परिवर्तन कर दिए, पर स्वास्थ्य के जो सेवाएं हैं वो रेफर हॉस्पिटलों के नाम से जानी जाती है। आज विचार कर लीजिए, यहाँ फार्मर एरिया है, पूरा किसानों से जुड़ा हुआ एरिया है, यहाँ टोटल किसान खेती करते हैं, तो आज किसानों को यूरिया खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। पिछले वो कैबिनेट मंत्री रहते हुए 3.5 साल से लगातार लाइनों का सामना किसान कर रहा है। अब प्राकृतिक आपदा आई, मान लो 2 बार ओलावृष्टि हुई, बेमौसम बारिश हुई, फिर उसके बाद जब बारिश की जरूरत थी तो बारिश नहीं हुई। 3 साल तक लगातार किसान आपदा झेल रहा है, पर सरकार की ओर से तो बीमा दिया गया, न मुआवजा दिया गया, न किसी प्रकार की किसान को राहत दी गई। तो किसानों में भी भारी आक्रोश है, क्योंकि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब अति बारिश हुई थी, तो तत्काल कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के 100% मुआवजा दिया, बीमा दिया, किसानों की कर्ज माफी करी। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा है किसान, क्योंकि किसान चारों तरफ से कर्ज में डूबा हुआ है। तो वापस कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसान की कर्ज माफी योजना शुरू होगी, किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा, 3 और 5 हाउस पावर के बिजली के बिल माफ होंगे, गरीबों के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और 200 यूनिट का केवल 100 यूनिट का पैसा देना रहेगा। उसके बाद हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी ओल्ड पेंशन बहाल होगी। उसके बाद हमारा जो लाडली लक्ष्मी बहना वाला, जो उनको 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। तो बहुत सारी योजना हमारे, जैसे शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे वही मध्य प्रदेश का भविष्य गढ़ेंगे, उन्हीं के नेतृत्व मध्य प्रदेश की आने वाली कमान होगी और मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। तो शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कमलनाथ जी ने जो शिक्षा नीति लाए वो इतनी अच्छी लाए हैं, जिसमें पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए 500, 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए 500 रुपये, 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए 1000 रुपये और 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए 1500 रुपये, ताकि उनसे इस महंगाई के दौर में, क्योंकि वर्तमान में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, उनके कार्यकाल में आपने देखा महंगाई किस तरीके से आसमान छू रही है, शिक्षा कितनी महंगी हो गई, चिकित्सा कितनी महंगी हो गई। तो शिक्षा महंगी होने के कारण बच्चों को प्रोत्साहन के लिए इसमें काफ़ी योगदान मिलेगा। तो कमलनाथ जी की बहुत सारी योजनाएं, और मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में भी कमलनाथ जी को मैंडेट दिया था और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, पर कुछ लोगों ने जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, कमलनाथ जी ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करी, क्योंकि कमलनाथ जी एक विज़न की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसा मध्य प्रदेश देना चाहते थे जहाँ स्वच्छता हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य के प्रति सजगता हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा व्यापार हो, व्यवसाय हो, किसानों के चेहरे पर खुशहाली हो। इस विज़न के साथ कमलनाथ जी बढ़ रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो रास नहीं आया और उन्होंने पीछे के रास्ते से हमारे कुछ लालची विधायकों को खरीद कर उन्होंने सरकार गिराई। पर जिस तरीके से 18 में हम कुछ सीटें कम रही थी, पर इस बार 2023 में पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि 18 साल के कार्यकाल 15 महीने भारी रहे? बिल्कुल रहे ना, 18 साल में आप देख लीजिए, 18 साल में भय और भ्रष्टाचार, मामा जी लाडली बहना बहना चिल्ला रहे हैं, मामा की बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी लाडली बहनों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश में रोजाना औसतन 2 से 3 बलात्कार 1-2 दिन में हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की घटना, अपने सुभासरा विधानसभा क्षेत्र में 4 साल और 10 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। आज विचार कर लीजिए अपराधियों के हौसले कितने बड़े हुए हैं कि उनमें कोई डर ही नहीं, कैसा मध्य प्रदेश, ना कोई भय, क्योंकि यहाँ के मंत्री और जो जनप्रतिनिधि है वो केवल भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, 50% कमीशन में लगे हुए हैं। कि किस तरीके से, आपने बहुत सारे वीडियो वायरल ऑडियो वायरल देखे होंगे ठेकेदारों को, और उनको आज विचार कर लीजिए गौ माता की स्थिति इन्होंने क्या कर दी,
आज गौ माता जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं, जिस गौ माता को संरक्षण देने की बात हर प्रतिनिधि करता है, केवल इस मध्य प्रदेश में कोई आगे बढ़ा गौ माता के लिए तो कमलनाथ जी बढ़े, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 15 माह की सरकार में 1000 गौशालाएं खोली, उनके संरक्षण की व्यवस्थाएं करी, उनके चारे घास के लिए 20 रुपये तक की व्यवस्था करी। पर वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख लीजिए किस तरीके से उनका जो चारा का पैसा था वो 2-2.5 रुपये करके नहीं, यहाँ तक इतने नीचे तक लाया गया। फिर पूरे साल में एक गौशालाएं नई नई बनाई गई, न गौ माता के लिए कभी बात की गई, केवल यहाँ के मंत्री गौ माता के नाम से केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। अभी लास्ट में केवल चुमालनावी झुमले जैसा केवल एक वन अभ्यारण जैसी बात करी, बात विचार कर लीजिए, 2 दिन बाद आचार संहिता लगनी और उससे पहले शिलान्यास करें। आपने 3.5 साल किया क्या? आप केवल झुमलेबाजी करी, आपने जब लास्ट समय में केवल झुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं किया। और मध्य प्रदेश की जनता, पूरा मध्य प्रदेश को देख चुकी है शिवराज और उनके मंत्रियों के खिलाफ और सुवासरा की जनता इस कैबिनेट के खिलाफ एक एक चीज़ जानती है कि इन्होंने क्या किया है। क्या आप भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग को चुनौती मानते हैं? नहीं, मैं तो चुनौती मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और RSS उसी को चुनौती नहीं मान रहे, उसको अपना प्रत्याशी नहीं मान रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता परेशान है, RSS का एक एक कार्यकर्ता परेशान है, क्योंकि वो और उनके लवारे, उनका ना कोई विजन है, उनका विजन एक है केवल पैसा कमाना, कैसे कमाना है ना, भ्रष्टाचार करना, जमीनों पे कब्जा करना, माफियागिरी करवाना, इसी में लगे हुए हैं। आप चारों तरफ देख लो, अभी आप सुहासरा जाइए, सुहासरा पहले 90% शासकीय जमीन में बसा, शासकीय जमीन थी, आज शासकीय जमीन ढूंढो आप, मिल जाए तो आप मुझे बता देना कि यहाँ पे एक शासकीय जमीन पड़ी, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में सारे माफियाओं ने कब्जा किया है। ये थे हमारे साथ सुहासरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार, मंदसौर SAN भारत, जिला ब्यूरो हिम्मत सिंह चौहान।